Hi, this is Kailas. Welcome again to my YouTube channel. So today we study chapter 2, which is polynomial. तो सबसे पहले हमें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए. तो इसके इंट्रोडक्शन के लिए मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, आप वहाँ जाके एक बार चेक कर सकते हैं. तो अभी करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1. सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. हमें यह बताना कि हमारा पॉलिनोमियल्स की वन वेरिएबल में है क्या नहीं है. हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल कौन कौन से होते हैं. स्टेट रीजन फॉर आंसर, और जो हमारा नहीं है तो उसका रीजन देना है. तो अब हमें यह बताना है, जैसे हमारा पहला है 4x² - 3x + 7, तो ये हमारा क्या वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है. अब देखो वेरिएबल कौन से होते हैं, ये हमारा वेरिएबल है और ये कोफिशियंट होते हैं ना इसके टर्म वाले, नंबर को हम कोफिशियंट पार्ट होता है, और जो एक्स वाई जेड जो भी होता है ये हमारे वेरिएबल होते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x², x, अगर हमारे दो होते तो टू वेरिएबल होता, तो ये क्या हमारा वन वेरिएबल. सेम क्वेश्चन सेम हमारा सेकंड पार्ट में देखिए, y² + √7, अब यहाँ पर भी हमारा वन ही वेरिएबल है, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब सेकंड देखिए, हमारा थर्ड पार्ट है हमारा x^10, y^3 + t^50, ये हमारा कितना कौन सा वेरिएबल है, 1, 2, 3 कौन सा है. अब देखिए x, y, t, थ्री डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हमारे पास, ये हमारा कौन सा हो गया पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल. नेक्स्ट हमारा 3√t + t√2, ये हमारा, और फिफ्थ है y + 2 + 2/y. तो इन दोनों में हमें चेक करना है, जैसे इसके अंदर है हमारा, इसके अंदर ये √t है और ये यहाँ पे t है, लेकिन √t हमारा कोई भी, हमारे पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि ये कोई इसकी जो भी पावर है ना वो होल नंबर में होनी चाहिए, जिसकी पावर तो कोई होल नंबर में नहीं है तो ये हमारा वेरिएबल नहीं माना जाएगा. सेकेंड ये कि इसकी पावर देखना, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y² + 2/y, ऐसे हम लेके सोल्व करेंगे तो ये भी हमारा कहीं से वेरिएबल नहीं बना. तो ये हम इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉट पॉलिनोमियल, ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं माने जाएंगे, बिकॉज इन दीज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, क्योंकि इनकी जो एक्सपोनेंट है मतलब इनकी पावर जो है ना वो होल नंबर नहीं है, तो ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे. तो अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशियंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग. जो हमें ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दे रखे हैं, इनमें हमें x² का कोफिशियंट लिखना है. जैसे हमारा पहला है 2 + x² + x, अब x² इसमें कहाँ पे है, ये है, तो इसका इसका कोफिशियंट क्या है, इसके पास कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है 1 है, जिसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा जो नंबर वही उसका कोफिशियंट होगा. अब सेकेंड वाले में देखिए 2 - x² + x³, हमें सिर्फ x² का ही चेक करना है, तो x² का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे, यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी इसी के साथ इंक्लूड है, तो ये हो जाएगा हमारा -1. अब थर्ड वाले में x² के साथ हमारा क्या है π/2, तो ये होगा हमारा π/2. फोर्थ वाले में इसमें हमारा x² है ही नहीं, तो इसमें हमारा x² का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. हमें एक एग्जाम्पल बताना दोनों का, एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी हो 35 और एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री हो 100. तो हम अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे मैंने बाइनोमियल का लिखा है, बाइनोमियल का मतलब टू टर्म होनी चाहिए हमारे पास, जैसे मैंने लिखा 3x, लेकिन डिग्री हमारी होनी चाहिए 35, प्लस में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने 2 लिख दिया, और भी लिख सकते हैं हम, जैसे मैंने y^35 + 9 लिख दिया, ये तो हमारे हो गए बाइनोमियल के. अब हमारा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल लेना है जिसकी डिग्री क्या हो 100, मोनोमियल मतलब सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए हमारी, जैसे x^100, y^100, z^100, हमें सिर्फ कोई भी एक एग्जाम्पल बताना था, आप कितने लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें इनमें से इनकी डिग्री लिखनी है, डिग्री का मतलब क्या होता है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है वो लिखनी है. तो इसमें 5x³ + 4x² + 7x, इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 3 है यहाँ पे x^3, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी 3.
इसमें क्या हमारी 4 माइनस वाई स्क्वेयर, इसमें हमारी हाइएस्ट डिग्री कितनी है, वाई की पावर 2, तो हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट में हमारा 5t माइनस एंड रूट 7, इसमें हमारी क्या है, टी की पावर कितनी है, 1 है, तो इसमें होगी हमारी 1, और इसमें हमारा वेरिएबल ही नहीं है क्योंकि 3 अकेला, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। सो हमारा फिफ्थ का पहला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। जो हमें नीचे पार्ट दे रखे हैं इनको हमें क्लासीफाई करना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक पोलिनोमियल है। सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल कौन से होते हैं। उसके लिए मैंने पीछे वीडियो बना चुकी हूँ मैं, उसके वो आप वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके पहले चेक कर लीजिए फिर इसको समझिए अच्छे से। जैसे हमारा एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन है हमारा एक्स माइनस एक्स की क्यूब, यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 3, 3 है हमारी हाईएस्ट पावर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक। जिसकी पावर 1 हो उसको लीनियर बोलते हैं, जिसकी 2 हो हाईएस्ट पावर उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और 3 वाले को क्यूबिक। इसमें क्या हमारे वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे वाई की पावर 2, जिसकी ये क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक। एंड नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमारी कोई एक ही पावर है तो एक पावर वाले को हम क्या बोलते हैं, लीनियर। सेम ईयर 3t, इसमें क्या हमारा सिर्फ एक पावर है, टी की पावर कुछ नहीं शो कर रखा, इसका मतलब वहां पे 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर। यहाँ पे r की पावर 2, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। एंड लास्ट वन इज 7x की पावर 3, अब x की पावर 3 है तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक। सो हेयर कंप्लीट अवर एक्सरसाइज 2.1। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी एक्सरसाइज 2.2. If you have any doubt, please ask in comment section. For more videos, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon.